नमस्कार, मैं काजल मिश्रा, स्वागत है आपका इनमें लाइव। नजर डालते हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। हिमाचल में मानसून की विदाई के बाद अक्टूबर में ही पनपने लगे सूखे जैसे हालात। प्रदेश में 1 से 13 अक्टूबर के बीच सामान्य से 95% कम हुई है बारिश। इस अवधि में 12.9 मिलीमीटर होती है नॉर्मल बारिश। राज्य के 12 में से 7 जिलों में नहीं बरसी पानी की एक भी बूंद, जबकि 3 जिलों में 95% से भी कम हुई है बारिश। मौसम विभाग की माने तो 18 अक्टूबर तक मौसम रहेगा साफ। हिमाचल में सामान्य से 18% कम बारिश होने से गर्मियों में उत्तर भारत में जल संकट गहराने का भी होने लगा है अंदेशा। बरसात में पानी से लबालब रहने वाला भाखड़ा बांध और गोविंद सागर झील का इस बार सामान्य से 50 फीट नीचे चल रहा है जलस्तर। हालात ऐसे हैं कि गोविंद सागर झील में अभी से दिखने लगे 4 माह बाद फरवरी में जल समाधि से निकलने वाले मंदिर। कुल्लू के भुंतर हवाई अड्डे से पिंक सिटी जयपुर के लिए सोमवार को शुरू हो गई है हवाई सेवा। दशहरे के मौके पर शुरू हुई हवाई सेवा से कुल्लू मनाली के पर्यटन कारोबार को लगेंगे पंख। जयपुर से आए 72 सीटर विमान का भुंतर एयरपोर्ट में पानी की बौछार डालकर किया गया स्वागत। सरकार ने पहली बार हिमाचल के 5 युवाओं को विदेश में रोजगार योजना के तहत सऊदी अरब में दिलाया रोजगार। जमा 2 से लेकर IIT और मैकेनिकल इंजीनियर पास हैं ये युवा। विदेश में रोजगार योजना के तहत हिमाचल के 5 युवा पहुंच गए सऊदी अरब। मुख्यमंत्री उद्योग मंत्री के निर्देशों पर योजना को किया जा रहा है लागू। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी हिमाचल प्रदेश की 50 महिलाओं सहित 200 युवाओं को देगी रोजगार। इसके लिए कैंपस इंटरव्यू का 15 अक्टूबर को ITI दाड़ी में होगा आयोजन। इस दौरान 2022 से 2024 तक के पास आउट अभ्यर्थी ले सकते हैं हिस्सा। त्योहारी सीजन के चलते सक्रिय है साइबर अपराधी। शातिर लोगों को बंपर ऑफर का लालच देकर फंसा रहे जाल में। साइबर पुलिस ने इसको लेकर जारी की एडवाइजरी। इसमें है कहा गया कि ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए लोगों को सतर्कता बरतने की है जरूरत। साइबर शातिर फर्जी मल्टीनेशनल कंपनियों के नाम से ही फर्जी ई कॉमर्स वेबसाइट तैयार कर लोगों को दे रहे कई तरह के प्रलोभन। हिमाचल में साल दर साल सेब उत्पादन में आ रही गिरावट। इस साल भी सेब उत्पादन में करीब 20,000 मीट्रिक टन की आई है गिरावट। MIS के तहत सेब खरीद भी पिछले साल के मुकाबले करीब 17,000 मीट्रिक टन की हुई है कम। प्रदेश में समापन की ओर है सेब सीजन। शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अलावा किन्नौर लाहौल स्पीति में बहुत कम बचा है सेब। हिमाचल के कृषि मंत्री चंद कुमार के नेतृत्व में फ्रांस रवाना हो गई एक टीम। 7 सदस्यीय टीम 20 अक्टूबर तक फ्रांस में विभिन्न डेयरी फार्म का करेगी दौरा और वहां दूध से बनने वाले विभिन्न प्रोडक्ट को बनाने और इनकी मार्केटिंग की हासिल करेगी जानकारी। कृषि मंत्री के अलावा 2 विधायक, सरकारी उपक्रम मिल्कफेड के सचिव, मिल्कफेड के MD और डेयरी फार्म चलाने वाली 2 महिलाएं भी जा रही हैं फ्रांस। हिमाचल के सरकारी डिपो में अब अगले महीने से महंगी दरों पर मिलेंगी दालें। राज्य सरकार डिपो में देती है 3 दालें, जिसमें से चना दाल होने वाला है महंगा। केंद्र सरकार ने एक योजना के तहत राज्यों को सस्ती दरों पर दिया चना दाल और करीब 8 महीने से चल रही थी यह योजना, मगर अब केंद्र सरकार ने अपनी योजना को कर दिया है बंद। किरतपुर नेरचौक 4 लेन पर कैची मोड़ पर बन रही समांदा टनल का मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य लगभग पूरी हो चुकी है इस 1800 मीटर लंबी टनल की खुदाई। दिवाली के बाद जोर पकड़ेगा टनल का काम। मलबा निकालने के बाद लाइनिंग का कार्य भी होगा शुरू। लाइनिंग और फिनिशिंग वर्क को मार्च तक पूरा करने का रखा गया लक्ष्य। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अनवर लाइव।